बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पोस्टिंग प्रोसेस इनफैक्ट पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल इनटू लेजर इज ऑलवेज अ डिस्टर्बिंग फैक्टर फॉर द स्टूडेंट्स। अमूमन स्टूडेंट्स पोस्टिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ पाते और जो पोस्टिंग का मैकेनिज्म है उसको नहीं समझ पाते। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जर्नल में या डे बुक में या कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को जैसे जैसे वो ओरिजिनेट हो रही हैं रिकॉर्ड कर लिया और ये रिकॉर्डिंग जो है ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आपने रिकॉर्ड किया। अब वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आप जो ट्रांजैक्शंस अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस जो अकाउंटिंग फिनोमिना कहलाते हैं उनको आप रिकॉर्ड जब कर लेते हैं तो आप सिवाय रिकॉर्डिंग के और कोई भी मकसद हासिल नहीं कर पा रहे होते उससे। फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस सारे साल की रिकॉर्ड कर ली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। अब जब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में परचेजेस रिकॉर्ड हो रही हैं तो उसमें सेम डे में सेल्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं, सेम डे में सैलरीज भी रिकॉर्ड हो रही हैं, सेम डे में अदर एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, कुछ एसेट्स की भी हो रही हैं, तो आपके पूरे एक साल के अंदर एक क्रोनोलॉजिकल मींस डेट सीक्वेंस में बेशुमार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हुई हैं। अब हम उसको जब लेजर में उसके मुतल्लिका लेजर हेड के अंदर उसके मुतल्लिका हेड ऑफ अकाउंट में जिसको कि मैं उसके अपना घर कहता हूँ उसमें समराइज नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे इस रिपोर्टिंग पीरियड में सैलरीज़ की टोटल अमाउंट क्या है, परचेजेस की टोटल अमाउंट क्या है, सेल्स की टोटल अमाउंट क्या है। मींस जो जो भी अकाउंटिंग हेड हैं उन सब की हमें एक समरी रिक्वायर्ड होगी। तो इम्पोर्टेंस लेजर की ये है कि इसमें मौजूद हर लेजर अकाउंट के हर अकाउंटिंग हेड के अलग अलग घर बनाए जाते हैं। जो मैं घर कह रहा हूँ वो क्या है, लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उन लेजर अकाउंट्स में हम जर्नल से इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको बैलेंस करते हैं ताकि मालूम हो जाए कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर इस घर का अपना बैलेंस कितना है, जो कि बाद में हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं या ट्रायल बैलेंस में इन अ वे उसको लिस्ट कर देते हैं, ये कहना चाहिए। पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस व्हेन वी आर ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल इनटू द लेजर एंड लिस्टिंग आप कह लें इज़ द प्रोसेस व्हेन वी आर पुटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स इनटू द ट्रायल बैलेंस। तो इसको आप लिस्टिंग कह सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात लेजर के रेफरेंस में समझने की है वो ये है कि लेजर बुनियादी तौर पे दो तरह के हैं, एक मेन लेजर और दूसरा सब्सिडरी लेजर। मेन लेजर को हम जनरल लेजर भी कहते हैं जिसे हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में जीएल कहते हैं और इसको हम नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। तो जो प्रोफेशनल लाइफ में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो जीएल का मींस जनरल लेजर के तौर पर आप उसको एक किताब का नाम देते हैं। अब जीएल जो किताब है उसमें बेशुमार अकाउंटिंग हेड्स मौजूद हैं जिसको मैं हर इंडिविजुअल अकाउंटिंग हेड का घर कह रहा हूँ और उसके ऊपर उसकी नेम प्लेट मौजूद है, वो अकाउंटिंग हेड का नाम मौजूद है जहाँ पर के उस अकाउंटिंग हेड में या उसके अपने घर में उससे मुतल्लिका तमाम ट्रांजैक्शंस को समराइज किया जा रहा है जर्नल से लाके। अच्छा, जो सब्सिडरी लेजर है वो एक अलग से किताब है। अब सब्सिडरी लेजर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर्स का सब्सिडरी लेजर बना लिया, ये उस सूरत में होगा अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेटर्स की
या क्रेडिट कस्टमर्स की तादाद बेशुमार है, 2, 4, 8, 10 हों तो आप जीएल में ही उनके नामों के साथ उनके अपने अपने घर बना लें। जब 1,000, 2,000 हैं तो आप जीएल को जख़ीम नहीं होने देते बल्कि जीएल को मुख्तसर रखते हैं। जीएल में एक डेटर्स का लेजर अकाउंट बनेगा सन्ड्रे डेटर्स के नाम से या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के नाम से। अब इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी इसका नाम है। और सेल्स लेजर के नाम से या डेटर्स के नाम से एक किताब बना ली जाएगी। उस किताब के अंदर अब आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स के नाम के घर बनेंगे। जो मैं घर से तशबीह दे रहा हूँ उसको एंजॉय कीजिएगा, मींस उनके अपने टी अकाउंट्स बनेंगे, उनके अपने लेजर अकाउंट्स बनेंगे और हर घर अपना एक बैलेंस देगा पीरियड एंड पे। जो पीरियड एंड पर वो हर घर अपना एक बैलेंस दे रहा होगा वो उस डेटर का अपना बैलेंस होगा। आप तमाम डेटर्स की एक लिस्ट बनाएंगे, उनका जो टोटल होगा वो एग्जैक्टली टैली करना चाहिए आपके जीएल में मौजूद सन्ड्रे डेटर के बैलेंस के साथ या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के साथ। यही वाला प्रोसेस आप क्रेडिटर्स के लिए भी बना सकते हैं, यही प्रोसेस आप इन्वेंट्री के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सैकड़ों तरह की इन्वेंट्री है तो एक इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट वुड बी अपेयरिंग इन द जीएल और वो बेशुमार इन्वेंट्री आइटम्स उनके अपने अपने घर, उनके अपने अपने लेजर अकाउंट्स, उनके सब्सिडरी लेजर में बन रहे होंगे। ये पेरोल के लिए भी बन सकता है सब्सिडरी। एनीवेज, अब होगा ये कि आपने अल्टीमेटली लेजर जो जीएल है उसके जो फाइनल बैलेंसेस हैं उनको ट्रायल बैलेंस में उतारना होगा और फिर ट्रायल बैलेंस से आपकी अगले सफ़र की कहानी शुरू होगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फिर हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द टॉपिक प्लीज़ कॉन्टेक्ट आर एडमिशन ऑफिस।